हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान एडिट। तो फ्रेंड्स, आज जो एडिटिंग होने वाली है वो वैलेंटाइन डे पर होने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबको पता है कि वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो उस टॉपिक पर मैंने आज वीडियो बना दी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसका जो बैकग्राउंड और पेजिंग का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको पहले वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, तो इसलिए इसको स्टार्ट से इन तक पूरा देखना है, बीच में स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अब मैंने पिक्सआर्ट ऐप ओपन कर लिया है और इसका जो मेन बैकग्राउंड है वो भी मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है। अब फ्रेंड्स, हम लोग जाएंगे ऐड फोटो में और यहाँ से इसका जो मेन मॉडल है उसको हमको ऐड करना होगा। और यहाँ पर मैंने पहले से इसका बैकग्राउंड इरेज करके रखा हुआ है। अगर आपको नहीं आता इरेज करना तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल इसको मैंने पहले से इरेज करके रखा हुआ ताकि आपका समय थोड़ा बर्बाद ना हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सही से फिट कर देते हैं, कुछ इतना यहाँ से सही रहेगा और यहाँ से कर देंगे हम लोग डन। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इसका मेन बैकग्राउंड में जो मॉडल है वो यहाँ से इसको फिट कर लिया है। एंड अब हम लोग देखेंगे इसके फेस में बहुत ही नॉइज़ आपको दिख रही होगी, यहाँ से इसके पिंपल्स वगैरह, मतलब बहुत ही ख़राब से इसका फेस दिख रहा है। तो इसको हमको स्मूथ करना होगा। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे ब्यूटी वाले टूल में। एंड यहाँ से अगर आपको यहाँ पर कुछ भी ना आता हो तो प्लीज़ यहाँ से ऑटो वाला बटन दबा देना, ठीक है? ये अपने आप को फेस को डिटेक्ट कर लेगा एंड उसको स्मूथ कर लेगा। और यहाँ से आप इसकी मदद से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से फिलहाल 76 के आसपास सही रहेगा और कर देंगे यहाँ से इसको डन। तो फ्रेंड्स, फेस भी हमारा बिल्कुल सही तरह से स्मूथ हो गया है, ठीक है? एंड यहाँ से एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसके ज़रिए अगर पिंपल्स को हम लोग गायब करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरह टच करेंगे तो वो चीज़ बहुत ही स्मूथ हो जाती है, पिंपल्स वगैरह, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये भी काम यहाँ पर हो चुका है एंड कर देंगे यहाँ से इसको डन। एंड अब हम देखेंगे कि इसके फेस को हल्का सा गोरा करेंगे, तो इसके लिए हम जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन में एंड यहाँ से एडजस्ट में क्लिक कर देंगे। और इसका जो ब्राइटनेस है वो हमको कर देना होगा बिल्कुल कम, ठीक है? पहले हमको फेस को सेलेक्ट करना होगा, फिर बाद में इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इरेज़र वाले टूल में सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे यहाँ से इसको इनवर्ड। एंड अब यहाँ से ब्रश वाले टूल में क्लिक करेंगे और देखेंगे इसका साइज वगैरह क्या रहेगा और इसको हम लोग सिर्फ अपने फेस में सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको फास्ट कर देता हूँ। तो फिर यहाँ से इसका जो फेस है वो सेलेक्ट हो चुका है एंड कर देंगे यहाँ से इसको डन। और अब हमें अपने हिसाब से इसको गोरा या कम गोरा हम लोग कर सकते हैं, कुछ इतना। तो यहाँ से बिल्कुल सही लग रहा है एंड कर देंगे यहाँ से इसको डन। तो फिर यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसका मैंने फेस भी गोरा कर दिया जितना इसकी ज़रूरत थी, ठीक है? अब फ्रेंड्स, हमको साइड में शेड मारने होंगे ब्लू कलर के। उसके लिए हम लोग जाएंगे ड्रॉ वाले टूल में एंड यहाँ से ड्रॉ में सेलेक्ट कर देंगे। एंड यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर है वो हमको ब्लू लेना है, तो इसको हम लोग कुछ इस कलर में ड्रैग कर देंगे। एंड यहाँ से हम लोग ब्रश का साइज़ वगैरह इतना आप देख सकते हैं, यही करना है आपको सेम एंड कर देना है इसको सेट। और यहाँ से साइड से आपको जिस तरह मैं करता जा रहा हूँ उस तरह आपको कर देना है। अब फ्रेंड्स, हमको लेना होगा इरेजर वाला टूल। एंड अब जो हमको करना होगा वो हल्का हल्का साइड से हमको फेड करते हुए इरेज कर देना है। तो साइज वगैरह आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ से इसमें क्लिक करेंगे और इसकी ऑपोसिटी जो है वो अपने हिसाब से इसको आप रख लेंगे जितनी आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ से कुछ लाइन वगैरह दिख रही हैं, उसके लिए हम लोग इसको और अच्छे से फेड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो शेड है वो आपके शर्ट में बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है? जिससे आपके लुक जो आएगा फ़ोटो में बिल्कुल तगड़ा आएगा। और यहाँ से हम लोग कर देंगे इसको डन। तो फ्रेंड्स, यहाँ से डिस्कार्ड कर देते हैं और हम लोग मेन मेन्यू पर आ जाएंगे, ठीक है? अब जाएंगे हम लोग एफेक्ट्स में एंड यहाँ से हम देखेंगे हमारा मतलब कौन सा फिल्टर्स काम आने वाला है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे फेटल वन पर एंड यहाँ से आप करना क्या होगा, इसके जो शर्ट में हल्का सा कलर कर देना होगा इसी का मल्टीप्लाई के द्वारा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से इसकी जो शर्ट है वो सिलेक्ट हो चुकी है एंड कर देंगे यहाँ से इसको डन। और यहाँ से देखें कि हमारे शर्ट में कौन सा कलर बिल्कुल अच्छा लगेगा, तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओवरले में देख रहे हैं
तो ओवरले का जो लुक आ रहा है बहुत ही ऑसम आ रहा है, तो इसको फिलहाल हम यही रहने देंगे और यहाँ से कर देंगे इसको डन। तो फिलहाल ये भी फिल्टर हमारा इसमें अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ जाएंगे हम लोग टूल्स में एंड एडजस्ट में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसको हल्का सा करेंगे रिटच, तो फिर जो जो मैं करता हूँ आपको भी वही कर लेना है। एंड अब देखेंगे हमारे फ़ोटो जो है वो कुछ लगभग अच्छी बनती जा रही है। अब फ्रेंड्स यहाँ से जाएंगे ऐड फोटो में और जो बाकी पीएनजी वो हमको ऐड कर लेनी होगी, जिसके ज़रिए हमारी फ़ोटो बहुत ही अच्छी बन जाएगी। एंड अब हम लोग बाल में मतलब हेयर में क्लिक करेंगे एंड यहाँ से, तो ये इसकी जो हेयर लेयर है मैंने पहले से बना रखी थी फोटोशॉप से, तो इसमें बहुत अच्छे से मैच कर जाएगी, ठीक है। देखो मैच कर गई। एंड अब फ्रेंड्स हमको यहाँ से डन कर देना है एंड अगली अगली फ़ोटो हमको ऐड करनी होगी फ्लावर की, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इतना आपको एडजस्ट कर देना है अपनी फ़ोटो के हिसाब से। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख रहे हैं कि हमारे फ़ोटो में कितना मतलब जान कितनी आ रही है अब, ठीक है। तो इतना फ़िलहाल सही रहेगा एंड अब कर देंगे यहाँ से इसको डन। तो फ्रेंड्स फ़ोटो जो हमारी पूरी तरह से बन चुकी है। अब फ्रेंड्स हमको इसको ऐड करना होगा टेक्स्ट की पीएनजी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे की ये फ़ोटो है, तो इसका टेस्ट जो है वो भी वैलेंटाइन डे के ऊपर होगा। तो यहाँ से हम लोग ये फ़ोटो ऐड कर लेंगे एंड यहाँ से इसको कुछ नीचे फिट कर देंगे। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसका जो कलर है वो इसके बैकग्राउंड से मैच हो रहा है, ठीक है। तो वो हमको हल्का सा अपोजिट रखना होगा ताकि जो फ़ोटो हमारी और भी बेहतर लगे। तो इसके लिए यहाँ से हम लोग जाएंगे एडजस्ट में एंड यहाँ से इसका ह्यू वाला ऑप्शन को चूज़ करेंगे और इसका जो लुक है वो हल्का सा हम लोग येलो और ग्रीन के बीच में देंगे 36 के आसपास। तो फ्रेंड्स ये फ़ोटो बहुत ही कमाल की यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ से कर देंगे डन और यहाँ से डन कर देंगे वापस से फाइनल डन। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर देख रहे हैं हमारी फ़ोटो कितनी बढ़िया है, इसमें मैच कर रही है एंड ये जो टेक्स्ट है वो भी इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स इसको हम लोग करेंगे रिटच अपनी लाइटरूम एप्लीकेशन पे। तो इसको ले चलेंगे सेव करने के बाद लाइटरूम वाली एप्लीकेशन में। तो फिर यहाँ से मैंने लाइटरूम में ये वाली फ़ोटो ओपन कर ली है एंड अब हमको यहाँ से इस फोटो को ऑटो मार देना होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इससे हम लोग फोटो अपनी ऑटो मार देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये जो ऐप है वो अपने आप इसको एडिट कर दिया है एंड अब जो हमें इसको मैनुअली करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से इस चीज़ में आएंगे एंड यहाँ से हम लोग कर देंगे इसको विग्नेट को हल्का सा, हल्का नहीं मतलब इतना कर देंगे डाउन एंड यहाँ से इसकी क्लैरिटी कर देंगे हल्का सा इंक्रीज़। तो फ्रेंड्स फोटो में जो लुक आ रहा है बहुत ही पोस्टर टाइप का आ रहा है और ये बिल्कुल गजब का लग रहा है, ठीक है। यहाँ से जाएंगे शार्पनिंग वाले ऑप्शन में एंड यहाँ से फ़ोटो कर देंगे हल्की सी शार्प और नॉइस कर देंगे हल्का सा रिड्यूस। तो ये भी हमारी चीज़ नॉइस रिड्यूस हो चुकी है एंड अब हमें वापस से ऊपर जाना होगा एंड देखेंगे इसने क्या किया है। इसने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है, ठीक है। तो हम जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन में एंड यहाँ से सबसे पहले इसका सैचुरेशन जो वो कम है ही पहले से, तो इसको और भी कम कर देंगे ताकि हमारी फ़ोटो में रेड कलर ज़्यादा इंक्रीज़ ना होने पाए, ठीक है। और यहाँ से जाएंगे मिक्स वाले टूल में एंड यहाँ से मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फेस गोरा करना हो तो यहाँ से इसकी लूमिनेंस को इंक्रीज़ करते हैं ऑरेंज कलर की, तो इससे फेस हल्का सा गोरा होने लगता है। और यहाँ से रेड कलर की सिचुएशन भी हम लोग हल्की से इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो फिर ये काम भी यहाँ पर हो चुका है एंड यहाँ से जाएंगे अब जाएंगे हम लोग ब्लू वाले ऑप्शन में एंड यहाँ से उसकी जो सिचुएशन है वो भी हल्की से इंक्रीज़ कर देंगे ताकि हमारा बैकग्राउंड है वो भी हल्का सा उभर के आ सके एंड यहाँ से कर देंगे डन। तो फ्रेंड्स यार फोटो देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया इसमें लुक हमारी फ़ोटो में आ रहा है। तो फोटो हमारे पहले पिक्सआर्ट में कुछ इस तरह की बनी थी एंड अब जो बन चुकी है बिल्कुल भोकाली इस तरह की बन चुकी है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारे फोटो में कितना बदलाव आ चुका है। ये फोटो अगर आपको अच्छी लगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और इसको शेयर करके हर जगह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं बोलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।